बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बदतरीन वाक़या मैं कहूँगी उसमें से एक ही आज जो पेश आया। गुज़िश्ता रात 1:30 बजे के करीब होंडा सिविक जो कि मोटरवे पर लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी, ये खातून अपनी गाड़ी होंडा सिविक में अपने बच्चों के हमरा मोटरवे पर जा रही थी और उनके साथ ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बड़ा हाईलाइट भी कल किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने इसके ऊपर नोटिस भी ले लिया, टीमें भी तश्कील दे दी गई। जो वाक़या रकम हो गया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी हिफाजत के हवाले से ये इंतज़ाम हैं कि जिसको आपने देख लिया, बेशक अब टीमें जो हैं वो तंजीम दे दी गई हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन वाकई असल में हुआ क्या? और अब इस हवाले से कुछ आम हकायक सामने आए हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। नेगलिजेंस अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अंदर ही भेड़े की मौजूद है, उन भेड़ों की निशानदेही की ज़रूरत है, उन भेड़ों को बीच में से निकालने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी, 1:30 बजे का की वक्त था जब इनकी गाड़ी जो है इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया और इन्होंने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया। उससे इनके रिश्तेदार ने इनको कहा कि आप 130 पे, यानी कि जो हेल्पलाइन है मोटरवे की, उस पर फ़ोन करें। इन्होंने वहाँ पर फ़ोन किया तो उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई कि ये किसकी हदूद है। उन्होंने कहा जी ये गुजरपुरा की बीट है, जबकि शायद ही अभी जगह किसी को असाइन ही नहीं की गई थी। एनीवेज़, इन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जी उनकी बीट है। इन्होंने फिर अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया, उन्होंने इनको कहा कि आप गाड़ी के शीशे वगैरह बंद करके गाड़ी में बच्चों के साथ बैठ जाए। ये अपनी गाड़ी में बच्चों के साथ बैठ गई शीशे बंद करके। उसके बाद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, दो लोग जिनके पास पिस्तौल भी थी, लाठी भी थी, उन्होंने गाड़ी का शीशा भी तोड़ा और बच्चों के सामने, जो बच्चे जो है वो सारी ज़िंदगी इस बात को शायद नहीं भूल सकेंगे, ये खातून जो है सारी ज़िंदगी इस वाक़े को शायद ना भूल सकें। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मैं इसकी कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि सबसे पहले इंसानियत का तकाजा था कि जब 130 को कॉल गई, रात का 1:30 बजे का वक्त है, खातून अकेली हैं, बच्चों के साथ हैं, अरे इंसानियत के नाते ही आ जाते, मेरी हदूद तेरी हदूद बाद में कर लेते। क्या आपके घरों में माएँ बहनें बच्चे नहीं हैं? क्या वो इस तरह से कहीं सड़क पर इस तरह से अकेले खड़े हो तो क्या आप उनके लिए नहीं दौड़ेंगे? आप इंसानियत के नाते ये काम कर देते। और उससे भी बढ़ के जो ज़्यादा तकलीफ दे बात है वो CCPO का वो बयान है जो उनसे एक टेलीफोन जो बीपर था उसके ऊपर एक एंकर ने पूछा कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि 1:30 बजे आधी रात को इस खातून को क्या पड़ी थी कि वो बच्चों को लेके सुनसान सड़क पर चल पड़ी, GT रोड से चली जाती। भाई आप अपनी घर की खवातीन से बात नहीं कर रहे, एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया है आप उसके हवाले से बता रहे हैं। ये हमारा थाना कल्चर, ये हमारे पुलिस वाले हर एक को एक ही नज़र से देखते हैं, हर एक को एक ही लाठी से हांकते हैं, हर एक को गलत जुमले गलत अल्फाज। भाई क्या हो गया है? आप अपने घर में नहीं बैठे हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हैं, आप एक बहुत बड़े अलमिये को एड्रेस कर रहे थे उस वक्त। अगर उस खातून का पेट्रोल ख़त्म हो गया, कह रहे हैं जी पेट्रोल क्यों नहीं भरवा के चली थी, पेट्रोल ख़त्म हो गया कोई और बात हो सकती थी, उनका गाड़ी का टायर फट सकता था, उनकी गाड़ी का इंजन ख़राब हो सकता था, कोई भी इमरजेंसी हो सकती थी, फिर आप लोग किस काम के लिए? फिर आप लोग घर बैठ जाइए, हम लोग ही खुद सब कुछ कर लेते अपने साथ, चार चार गार्ड्स लेके। ये जो हम सोप के ऊपर, अपने टूथब्रश के ऊपर, अपने टूथपेस्ट के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हम जो इतना इतना टैक्स देते हैं ना, तो हम उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके हम अपने साथ एक बॉडीगार्ड रख लेंगे, हम अपने बॉडीगार्ड के साथ चल लिया करेंगे, फिर आपकी क्या ज़रूरत है? आपकी ज़रूरत इसीलिए कि आप हमें ये ना बताइए कि हमें किस वक्त निकलना है, हमें किस वक्त नहीं निकलना। आप अपनी ज़िम्मेदारी बताइए, आप बताइए आपने ये क्यों नहीं एड्रेस किया कि 130 पे जब कॉल की गई तो वो नहीं आया। आपने कहा जी 15 पे कॉल करनी चाहिए थी खातून को। अरे भाई 15 पे कॉल करे तो वो कितना एक क्विक रिस्पॉन्स है वो भी हमने देखा हुआ है, और जब वो मोटरवे के ऊपर है तो 130 को कॉल करना बनता है ना। 15 तो आप तब कॉल करें जब आपकी शहर के अंदर मौजूद थे, आप उस वक्त मोटरवे के ऊपर थे, मोटरवे की हदूद क्या कर रही है ये मोटरवे पुलिस हमारी, कितने कितने हमसे पैसे लेते हैं। अब यकीन मानिए कि एक किराया जो होता है डेवू का वो एक तरफ और उतना ही टोल हो जाता है उस जो आप टोल प्लाजे पे देते हैं। इन सब के बावजूद सबसे बढ़ के ये है, चले एक हादसा हुआ है उसको तो एड्रेस करेंगे, आप बयान किस तरह का दे रहे हैं? काबिल मुज़म्मत है ये बयान, और मेरे ख्याल से CCPO साहब को आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। इतने बड़े वाक़े को एड्रेस वो इस तरह से कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। आप डांटना चाह रहे हैं, आप अपने घर के बंदों को डांटिए, आपको क्या पता वो क्यों निकली थी, कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई वजह हो सकती है, किसी भी वजह से इंसान निकल सकता है, जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, एक और बात जो अभी सामने आई है, जो ख़ास बात मैंने आपको बतानी है, वो ये है कि जिस वक्त खातून ने फ़ोन किया था 130, अच्छा मैं अभी आपको एक और रिपोर्ट पहले दे दूँ,
फिर उसके बाद एक बड़ी खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये खातून जब 130 पे कॉल करती हैं, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स जब नहीं होता है तो ये अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं। इनके रिश्तेदार जो हैं वो अब रस्ते में हैं, पहुंच रहे हैं। इसी दौरान में ये CCPO साहब बताते हैं कि 3:05 पर हमें एक कॉल आई एक गाड़ी से जो इस मोटरवे से गुजर रही थी, और उस गाड़ी ने कहा कि एक खातून को दो बंदे ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाल कर लेके जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि 20 के अंदर हम वहाँ पर पहुँचे, लेकिन तब तक ये वारदात हो चुकी थी। CCPO साहब, सवाल तो ये है कि 20 का अगर फासला था तो उसी वक्त आ जाते, खातून फ़ोन करने के बाद भी आधा घंटा गाड़ी में बैठी रही, तो ये तो फिर बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के ऊपर। ये 130 जो आपकी पुलिस थी वहाँ की मोटरवे की, वो भी वहाँ पे पहुँच सकती थी ना शायद 20 क्या, वो फिर 15 में भी पहुँच सकती थी। अगर आप लोग 20 में पहुँच गए तो वो 15 में पहुँच सकती थी, तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सब लोग जो उस दिन ड्यूटी पर थे उन सबसे सवाल होना चाहिए और उन सबको कटहरे में खड़ा करना चाहिए, उन सबसे पूछना चाहिए कि आप किस बात की तनख्वाह लेते हैं। एनीवेज, एक और सवाल जो सब बहुत उठ रहा है, कहना इनका यह है कि 5 की रेडियस में यहाँ 3 गांव हैं और इन्हीं गांव में से ये वारदातिया हो सकते हैं। इन्होंने ना सिर्फ ये घिनौनी हरकत की बल्कि उन्होंने खातून के तलाई जेवरात, उनके ATM कार्ड सब कुछ वो लूट कर ले गए। उनके खून के नमूने जो हैं गाड़ी के शीशे पे, जब उन्होंने शीशा तोड़ने की कोशिश की तो उस पर भी हैं, वहाँ से भी बहुत से अभी बातें पता लग जाएंगी, शवाहिद मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर जब ये वाक्या हुआ है, वो जगह जंगल है, वहाँ पर एग्जैक्ट जगह पर, ये कहते हैं जी खातून ने बड़ी देर से हैज़र्ड लाइट्स ऑन की हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट जगह पर इतने कम स्पैन के अंदर वो लोग वहाँ पर पहुँच गए, यानी कि खातून की गाड़ी वहाँ पे अभी रुकी है, थोड़ा ही देर गुजरी है, उन्होंने बस फ़ोन किया है। फ़ोन करने के थोड़ी ही देर के बाद, ज़्यादा देर भी नहीं, 10 कह लीजिए, उसके बाद ये लोग जो हैं झाड़ियों में से निकल कर आते हैं। किसने मुखबरी की, इस हवाले से भी तफ्तीश होनी चाहिए। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन कि इन लोगों को, ये बाकायदा मुसल्ला थे, इनके पास हथियार था, इनके पास डंडा था, और इनकी नीयत ख़राब थी, और ये लोग वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने ये हरकत की, इनको किसने बताया? ये कोई अंदर ही बंदा मौजूद है, इस पर तहकीक करने की ज़रूरत है। ये मामला काबिल तहकीक है, काबिल तफ्तीश है, और इसके ऊपर गौर किया जाए, क्योंकि बहुत से मामलात ऐसे होते हैं, बड़ी माजरत के साथ अपनी पुलिस के साथ, कि वारदाती अंदर ही बैठे होते हैं, वही मुखबरियाँ करते हैं, वही बताते हैं, वही गुंडों बदमाशों को भी भेज देते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन पर उन लोगों का उस वक्त पहुँचना और पुलिस के पहुंचने से पहले पहले वहां से फरार हो जाना, उन लोगों ने 20-25 के अंदर वो वहां से गायब हो गए, क्योंकि 3:05 पे उनके फ़ोन कॉल आती है और 3:05 पे कार गुजरते हुए जब बताती है कि ये वाकया यूं हुआ है, तो 25 के अंदर अगर गाड़ी वहां मोबाइल पहुंचती है तो इस 25 के अंदर अंदर वो वारदाती यहां से कहां चले जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मेरी लड़ाई तेरी लड़ाई में एक इतना बड़ा हादसा हो गया है, हम सब के लिए शर्म की बात है। अब किसी भी खातून को मोटरवे पे जाते हुए, किसी भी वक्त जाते हुए बहुत ही डर लगेगा। अब तो आप टोल प्लाजा के जो वो पैसे लेते हैं ना, वो भी लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका अब इस पर कोई हक नहीं है। इमरान खान साहब, ये रियासत मदीना है, आप भी जवाब दें, सब हुकूमत में मौजूद लोग जवाब दें इस वाक्य के लिए, एक के बाद एक अफसोसनाक वाक्य। 5 की बच्ची, कभी कोई कुछ समझ नहीं आती, इन सब वाक्यात का सख्त से सख्त नोटिस लेना चाहिए। मुझे मेरी इन सब तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।